नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। साथ में इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्च आया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने लिए घर बना रहे हो तो इस वीडियो को देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा है, वो आ सकता है घर का छत के ढलाई तक। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस घर का साइड व्यू का बात कर लिया जाए तो 50 फीट का यहाँ पे रखा गया है और फ्रंट व्यू को 30 फीट का रखा गया। आगे मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट व्यू को, इसके अंदर भी चलूंगा, लेकिन साइड की तरफ देख सकते हो कि तीन यहाँ पे बॉक्स नुमा डिज़ाइन का जो विंडो है वो आप आसानी के साथ देख सकते हो। और उसके साथ साथ देख सकते हो कि साइड की तरफ में इस घर के लिए छज्जा भी 3 फीट के आसपास का यहाँ पर निकाला गया है। सपोर्ट के लिए जो कैंटीलीवर बीम होता है, जिसे लटक बीम भी कुछ लोग बोलते हैं, उसका निर्माण यहाँ पे किया गया है। इसे आप छत के ढलाई के साथ ही कास्ट करवाते हो। तो इस तरीका से इस घर का जो साइड की तरफ छज्जा निकाला गया बॉक्सनुमा डिजाइन का है, उसके साथ साथ काम, उसके साथ साथ साइड की तरफ एक एग्जिट डोर भी दिया गया है। और यहाँ सामने की तरफ देखते हो तो आपको एक पोर्टिको भी नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इसे पोर्च भी बोलते हैं। तो देखिए, कुछ लोग हाउस इंट्रेंस पॉइंट भी इसे बोल दिया करते हैं। तो देखिए, पोर्च, पोर्टिको या फिर हाउस इंट्रेंस जो पॉइंट है, कुछ इस ढंग से यहाँ पर काम है वो किया गया है। आर्क शेप का यहाँ पर मदद लिया गया इस कॉर्नर पे, ताकि इस घर का जो लुक है उससे बढ़ाया जा सके। और इस घर के अंदर में भी बहुत ही अच्छे ढंग से इस घर का काम को किया गया है। अंदर में भी कुछ आपको नया चीज़ दिखने को मिलने वाला है, अंदर ले चलूँगा, लेकिन मैं पहले आपको इस घर का जो कॉलम और बीम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेंगे इस घर में लगे हुए कॉलम का। इसका साइज़ की बात कर लिया जाए तो यहाँ देख सकते हो 9 इंच बाई 12 इंच का ये जो कॉलम है इसे रखा गया है। और इसमें जो लगा हुआ सरिया है उसका संख्या 6 है। 12 mm का 6 सरिया के साथ इसे कंप्लीट किया गया है। एक अच्छा फिनिशिंग के साथ आप देख रहे हो कि कॉलम का जो कास्टिंग है उसे किया गया है। इसके साथ साथ जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम है, जो कि इस घर का कुर्सी लेवल का बीम है, इसी लेवल पे इस घर का फर्श को बनाया जाना है। तो इसके साइज़ के बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, बिल्कुल कंटिन्यू इस बीम को रखा जाता है, जहाँ पे अंदर में ब्रिक वर्क होता है वहाँ पे भी रखा जाता है। अंदर आपको दिखाऊँगा। इसका साइज़ का बात कर ली जाए तो 10 इंची बाई 12 इंची का साइज़ में इस घर का जो प्लिंथ बीम है उसे रखा गया है। और इस ढंग से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। कॉलम और बीम जो मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं कि पूरा घर का कॉलम एक ही साइज़ का होगा। अंदर जो इस घर का कॉलम है, नज़दीक कॉलम है, इसलिए उसका साइज़ को घटाया भी गया है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो थोड़ा सा मैं आपको इस घर का जो फ्रंट व्यू है उसको दिखा देता हूं। उसके बाद जल्दी से इस घर के अंदर चलेंगे और देखेंगे अंदर से कितना इसमें काम किया गया है और पैसा कितना रुपये का खर्चा आया है। तो देखिए, आर्क शेप आपने देखा था, जो यहाँ पर लगाया गया था इस घर का पोर्टिको में, वो है। और चलते हैं आप इस घर के अंदर। तो यहाँ पर आपको कुछ खाली जगह देखने को मिल जाता है और इसे आप वेटिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये देख सकते हो। और इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी रूम, अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, कुछ इस तरीका से इस घर का जो सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। बिल्कुल क्लॉक वाइज बनाया जा रहा है। फ्लाइट पार्ट है, सेकेंड फ्लाइट है, जैसे घड़ी घूमता है ना वैसे बनाया गया है। मतलब इससे क्लॉक वाइज जो वास्तु के अनुसार अच्छा माना जाता है, क्लॉक वाइज सीढ़ी का निर्माण आपको कराना चाहिए। यहाँ 5 फीट चौड़ा आपको मिल जाता है गली, और उसके साथ साथ दोनों तरफ से जो नज़दीक कॉलम है इसका साइज 9 इंच बाई 9 इंच का ही रखा गया है, 4 सरिया के साथ। अब आगे भी देखिएगा कि नज़दीक कॉलम होने के कारण साइज को कम किया गया है। तो 9 इंच बाई 9 इंच या फिर 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि प्लास्टर के बाद ये 10 इंच के आसपास का साइज इसका हो जाता है। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। और देखिए, यहाँ पे आर्क शेप का जो निर्माण है उसका भी यहाँ पे काम है वो किया गया है। घर में घुसते के साथ आर्क शेप अगर आपको मिलता है तो काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट जाता है। चाहे कोई भी आपके घर में आते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, घर का जो काम है वो देखने से अच्छा प्रतीत होता है। तो घुसते के साथ ही देख सकते हो यहाँ पे कि मिल जाता है आपको। इधर मिला था इस घर के लिए पहला बेडरूम, ये देखिए गली के बाएं तरफ आपको इस घर के लिए पहला बेडरूम मिल गया, ये देख सकते हो। इसे आप चाहो तो स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये देखिए, कुछ इस ढंग से इसका काम किया गया। हालांकि फर्श का जो काम है बिल्कुल अभी बाकी है, आप देख सकते हो। उसके साथ साथ लेफ्ट साइड में भी आपको एक रूम मिला था, राइट साइड में भी आपको एक रूम मिल गया गली में ही, आप देख सकते हो। कुछ इस ढंग से इसे बनाया गया है, ये इस घर के लिए दूसरा रूम है। और 4 फीट बाई 4 फीट के जो साइज़ है उसमें विंडो बनाया गया है। यहाँ पे छज्जा जो है इस घर के लिए लगाया गया, हालांकि प्रत्येक रूम में छज्जा यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया है,
एक या फिर दो रूम में पूरा घर में छज्जा लगाया गया ताकि जरूरी का जो सामान है उसे रख दिया कर, वहाँ छज्जा पे आप रख सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आपको इस घर के लिए मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। देखिए ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, हालांकि एक और छोटा जगह डाइनिंग के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये है इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम, वेंटिलेटर भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे लगाया गया है। और इधर आपको एक मिल जाता है इस घर के लिए तीसरा बेडरूम। तो देखिए कुछ इस ढंग से इस घर का जो रूम है इसे बनाया जा रहा है, और इसके ऊपर में ये जो छज्जा है उसका निर्माण भी इस रूम में भी किया गया। इधर आपको इस घर के लिए हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया के रूप में भी इस्तेमाल इसे किया जा सकता है, हालांकि एक छोटा सा आगे में डाइनिंग जो एरिया है उसे रखा गया है। किचन भी कॉर्नर पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस घर में एक और आर्क मिलता है, आप देख सकते हो। और इस ढंग से इसका काम किया जा रहा है कि घर को बाहर के साथ साथ अंदर से भी सुंदर बनाया जा सके। देखिए ये जो है डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पे एक एग्जिट डोर भी लगाया गया है, छोटा सा विंडो है, और ये एग्जिट डोर है, आप देख सकते हो कि इस जगह पे इसे लगाया जा रहा है। साथ में उस कॉर्नर पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, जो कि मॉड्यूलर किचन बनाया जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और लेफ्ट साइड में आपको इस घर के लिए मास्टर बेडरूम मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये मास्टर बेडरूम है इस घर के लिए, और डबल विंडो के साथ जो यहाँ पे काम किया गया है, आप देख सकते हो 4x4 का ये विंडो है, 4x4 का ये विंडो है, ऊपर में वेंटिलेटर का भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, और इसी के अंदर में एक अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है और उसी में कुछ इस ढंग से इस घर के लिए अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम, मतलब रूम के अंदर है, ये देख सकते हैं दरवाज़ा इस बाथरूम का अंदर ही है, वहाँ से आप रूम में इंटर करते हो, फिर यहाँ पे अंदर में ही आपको इसके लिए अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। तो इस ढंग से एक अच्छा प्लानिंग के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। और इस घर का जो कॉलम है उसके बारे में भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और जो इस घर का किचन है उसको मैं भी दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए कॉलम का जो साइज़ है, यहाँ पर भी 9x9 का जो कॉलम है उसका प्रयोग किया गया है, कि चार जो सरिया है 12mm का उसका इस्तेमाल करते हुए। ये किचन है, मॉड्यूलर किचन इसे बनाया जाना है, और इसके साथ साथ डबल यहाँ पे विंडो आप देख पा रहे हो किचन में, ताकि किसी भी तरह का जो धुआं वगैरह का प्रॉब्लम आता है किचन में वो ना आ सके। उसके लिए ऊपर में देख सकते हो कि एग्जॉस्ट फैन के लिए दोनों तरफ से पॉइंट दिया गया है, ताकि जो घर का जो किचन का धुआँ है आसानी के साथ उसे बाहर फेंका जा सके। काफ़ी हवादार किचन, और उसके साथ साथ मॉड्यूलर किचन बनाया जाना है, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रेनाइट का किचन का जो स्लैब होगा वो आने वाला दिन में देखने को मिलेगा। किचन का जो ग्रेनाइट का स्लैब का जो हाइट होगा वो 34 इंच से लेकर 36 इंच के आसपास का होगा। देखिए वहाँ से अपने घर में इंटर किया था, उधर मिला था सीढ़ी, उधर मिला था आपको वेटिंग एरिया, फिर दोनों तरफ से एक एक बेडरूम मिला था। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, दोनों तरफ से गले में एक एक बेडरूम मिला, फिर आगे आया तो कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिला, उसके साथ साथ एक और बेडरूम मिला, उसके बाद में हॉल था, यहाँ पे आपको मिल गया इस घर के लिए डाइनिंग एरिया, इधर मिल गया आपको इस घर के लिए किचन, और इसके राइट साइड में भी मैं बिल्कुल पीछे वाला छोर में खड़ा हूँ, यहाँ मिल गया आपको मास्टर बेडरूम, और इसी के अंदर में मेरे पीछे में अभी अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाया गया। तो इस तरीका से इस घर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, आप देख सकते हो। इस घर का जो फर्श का काम है, आप देख सकते हो कि बिल्कुल फिलिंग का काम यहाँ पे किया गया। इसके बाद में जो ब्रिक सोलिंग का काम है वो बाकी है, ये सारा अभी एक्स्ट्रा खर्चा बता रहा हूँ, कि इसके बाद में ब्रिक सोलिंग किया जाएगा, घर का फर्श बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ और भी इसका प्लास्टर वगैरह का खर्चा, जो खिड़की दरवाज़ा लगाने का खर्चा वो एक्स्ट्रा है। अभी इसमें काम बहुत ही बाकी है, सिर्फ छत का ढलाई तक ही काम किया गया है। तो कॉलम और बीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, घर का स्लैब वो 4.5 इंची मोटा कास्ट किया गया है। घर का जो अंदर का दीवार है, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे ये भी अंतर डालता है। अंदर का जो दीवार है वो 5 इंच का है, सरासर यहाँ पे पूरा आधा जो अंदर का लगने वाला ईंट है उससे बचा लिया गया है। 10 इंची की जगह में 5 इंची का ही यहाँ पे ब्रिकवर्क किया गया है, एक दीवार नहीं बल्कि ज़्यादातर जो दीवार है अंदर का उसे 5 इंची का ही रखा गया। देखिए वो दीवार है वो भी 5 इंची का है, ये जो दीवार देख रहे हो ये भी 5 इंची का है। तो ऐसा करने से आप अंदर का जो पार्टीशन वाला है उसका जो ईंट का संख्या उसे घटा सकते हो, और अगर प्रॉपर कॉलम और बीम दिए हो तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, आप किसी भी साइज के घर में इस तरीका से काम करवा सकते हो। बाहर का जो दीवार है जिसे हम लोग आउटर वॉल बोलते हैं वो 10 इंच का यहाँ पे रखा गया है, ये देख सकते हो बाहर का दीवार 10 इंच का है। और उसके साथ साथ ये जो विंडो है वो भी कुछ अलग टाइप का आपको देखने को मिला था,
और इस ढंग से इस घर का काम है वो किया गया है। ये हॉल है, इधर भी आपको दो दो बेडरूम मिला था। टोटल बेडरूम का संख्या आप अगर आप बात कर ले जाए तो चार बेडरूम आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हॉल है, डाइनिंग एरिया है, किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, सीढ़ी है। और इस तरीके से इस घर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। तो बाहर से एक बार फिर से आप देख लीजिए, 50 फीट बाय 30 फीट में ये बनता हुआ घर है, 1500 स्क्वायर फीट में। और बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आ चुका है, बिल्कुल शुरू से लेकर अभी तक। तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 10.5 लाख से लेकर 11 लाख के बीच में खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी इस तरीके से घर बनाना चाहते हो तो आपको 10 से 11 लाख का एस्टिमेशन रखना चाहिए। उसके साथ साथ बता दूँ कि जिस जगह पर इस घर को बनाया जा रहा है वहाँ पर एक लाल ईंट का कीमत 6 से 7 रुपये है, एक बैग सीमेंट का कीमत 350 रुपये के आसपास में है। प्रति केजी के हिसाब से सरिया का बात कर लिया जाए तो 70 से 75 रुपये के आसपास में है। और उसके साथ साथ गिट्टी का बात किया जाए तो 35 रुपये प्रति सेफ्टी है और बालू 30 रुपये प्रति सेफ्टी के हिसाब से आसानी के साथ मिल जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं, ऐसा घर बनाना चाहते हो तो 10 से 11 लाख का एस्टिमेशन आप रख सकते हो। थैंक यू सो मच।